तो ये देखिए आज हम बनाने वाले हैं मशरूम मटर आलू गोभी की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं उज़मा खान, मेरे यूट्यूब चैनल उज़मा किचन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए ये सब्ज़ियाँ हमने कौन कौन सी ली है बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए हमने ली है मशरूम। मशरूम ली है मैंने यहाँ 250 ग्राम, और मैंने इसे बीच में से काट लिया है, दो पीसेस कर लिए हैं मशरूम के। और मैंने यहाँ मटर ली है, मटर मैंने एक कटोरी भर के ले ली है। और देखिए मैंने क्या सब्ज़ी ली है, और मैंने ली है फूल गोभी। फूल गोभी मैंने यहाँ 250 ग्राम ली है, इसे मैंने काट लिया है इस तरह के पीसेस में। और मैंने यहाँ लिए हैं आलू। आलू मैंने दो लिए थे बड़े साइज़ के, इस तरह से काट के धो लिया है, छील के काट के धोया है ने। और टमाटर लिए मैंने दो, इन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है टमाटरों को। और मैंने यहाँ पे एक प्याज को इस तरह से बारीक बारीक काटा है। और देखिए मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लिया है, 2 बड़े चम्मच भर के। और यहाँ मैंने मसालों में देखिए क्या क्या लिया है। मसालों मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा, और 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये मसाले लिए मैंने। और मैंने यहाँ लिया है 4 टेबल स्पून सरसों का तेल, ये 4 बड़े चम्मच है। और मैंने ये भगोना ले लिया है, इसमें हम बनाएंगे सब्ज़ी। तो अब इसको थोड़ा गर्म होने रख दिया है, अच्छे तरीके से गर्म हो जाने देंगे पहले भगोने को, फिर इसमें ऐड करेंगे तेल। तो अब तेल हम ऐड कर रहे हैं, भगोना अच्छे से गर्म हो गया है, तेल हम थोड़ा ही ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा हमने बचा लिया है क्योंकि पहले हमें सब्ज़ियों को फ्राई करना है तो तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब तेल गर्म हो गया, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी मशरूम। पहले हम मशरूम को फ्राई करके निकालेंगे, करीब 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और चलाते रहेंगे कंटिन्यू। बिल्कुल भी इसे इस तरह से खोल के ही फ्राई करना है इसको, फटाफट चलाते रहना है वरना जल जाएगी सब्ज़ी तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से चलाते रहेंगे इसको, 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए 4 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे, अच्छे से फ्राई हो गई है। इसी तरीके से हमें सारी सब्जियां फ्राई करनी है। तो देखिए मशरूम मैंने निकाल लिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। फ्राई करने से सब्जियों का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा बनता है, तो ज़रूर फ्राई करें सब्जी। कभी मिक्स वेज बनाएं तो फ्राई ज़रूर करें। अब देखिए थोड़ा भगोने में तेल रह गया है, इसी तेल में हम ऐड करेंगे और बाकी की सब्ज़ी। बाकी की सब्ज़ी में सबसे पहले ऐड करेंगे हम गोभी। गोभी को फ्राई करके निकाल लेंगे। इसको भी चला चला के फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। तो ये देखिए फ्राई हो रही है, और फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, इसको भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे इसी प्लेट में साइड में। अब तेल भगोने में बिल्कुल नहीं बचा, इसलिए मैंने थोड़ा तेल इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें फ्राई करेंगे मटर को। मटर को भी फ्राई करके पकाओ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। तो इसको भी 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हाई फ्लेम पे इसको भी फ्राई करेंगे इस तरह से, कंटिन्यू चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए मटर को वरना जलने से बहुत ख़राब टेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि सब्ज़ी कोई भी ना जले फ्राई करते टाइम। तो देखिए मटर भी निकाल ली मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करके।
देखिए सब्ज़ी हमने सब फ्राई करके निकाल ली है। अभी हम इसमें फ्राई करेंगे आलू, आलू बचे हैं तो इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको भी 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। क्योंकि आलू को भी फ्राई करके पकाओ तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सब्ज़ी हमें सारी ही फ्राई करनी है, आप जो भी सब्ज़ी ले रहे हैं अपनी पसंद की, लेकिन उसको फ्राई करना ना भूलें। मिक्स वेज में तो ज़रूर ही फ्राई करें। तो देखिए इस तरह से चला चला कि आलू को भी हमने फ्राई कर लिया, इसको भी निकाल लिया है प्लेट में। इसको भी 3 से 4 मिनट तक फ्राई करा है। तो देखिए सारी सब्जी हमने निकाल ली है फ्राई करके। इस तरीके से फ्राई करनी है। अब उसी भगोने में हमने थोड़ा तेल डाल लिया है। अब हम बनाएंगे इसके लिए थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी हमें ज़्यादा वैसी नहीं बनानी है, ये सब्ज़ी थोड़ी सूखी सूखी ही बनेगी। तो देखिए तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर दिए प्याज, बारीक कटी हुई जो प्याज थी वो उस पर हमने ऐड कर दिए। इसको थोड़ा पकने देंगे करीब 3 से 4 मिनट तक, ताकि प्याज का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। और बस ये ध्यान रहे कि हम जो इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं ये बहुत बारीक कटी होना चाहिए। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम जीरा। अब इन दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है। तो देखिए इसे भी कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि प्याज बहुत बारीक कटी हुई है, बहुत जल्दी ही जलना शुरू हो जाएगी वरना। इसको चलाते रहेंगे, इस तरह से चला चला के इसको पकाएंगे। तो देखिए प्याज भी हमारी हो गई है अच्छे तरीके से। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, करीब 4 से 5 मिनट तक इसे भूनेंगे। तो ये देखिए चला दिया मैंने। चार से पांच मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। अब यहाँ थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करा है, वो जिस जो मसाले की कटोरी से मैंने मसाला निकाला था, लहसुन अदरक निकाला था, उसी में थोड़ा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमें बीच बीच में चलाते रहना है। तो ये देखिए मसाला हमारा भून रहा है। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब हम डाल देंगे बाकी सूखे मसाले सारे, लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाला, नमक, सब चीज़ हमने इसमें डाल दी है। अब इसको चला देंगे अच्छी तरीके से। यह थोड़ा मैंने पानी भी ऐड करा है, क्योंकि मसाला बहुत सूखा सूखा लग रहा था तो सही से भुन भी नहीं पाता और जल जाता, इसलिए मैंने थोड़ा पानी यहाँ ऐड कर दिया है, करीब आधा कप पानी ऐड करा है मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मसालों को भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। करीब 5 मिनट तक इसे हम ढक के भूनेंगे, ढक्कन लगा के 5 मिनट तक भूनेंगे और कंटिन्यू बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए 5 मिनट तक हमने मसाले सारे भून लिए हैं। तो ये देखिए मसाला कितना अच्छे तरीके से भुन गया है, आप देख सकते हैं। तले से मसाला छूटने लगे तो समझो मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब ढक्कन ढक के इसको 1 मिनट और भून लेंगे। तो देखिए मसाला हमारा भुनना है। और ये सब्जी जो है मेन चीज़ है कि सब्जी आप जब बना रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से फ्राई करें। फ्राई करने से सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है, तो ज़रूर फ्राई करें। करीब 3 से 4 मिनट फ्राई करनी है सब्ज़ी। और जब मसाला बनाते हैं ये वाला, तो मसाले को भी करीब 5 से 6 मिनट तक भूनना है। तो पहले 5 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भूना था, उसके बाद जो सूखे मसाले मैंने डाले उनको मिला के भी मैंने करीब 1-2 मिनट तक
मसालों के साथ में भून लिया ताकि सारे मसालों का टेस्ट अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए इसको भी मैंने करीब 2 मिनट तक और भून लिया है। अब मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, रेडी, एकदम अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ। अब इसमें सब्जियाँ डाल देंगे। यहाँ मैंने आधा कप पानी और ऐड कर दिया है, मसाला बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा था तो आधा कप मैंने पानी ऐड करा है। अब हम इसमें सब्जियाँ ऐड कर देंगे क्योंकि हम ग्रेवी इतनी ठीक है, अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा ऐड कर दें तो ग्रेवी ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे ग्रेवी इसमें कम पसंद है, ज़्यादा ये सब्ज़ी सूखी सूखी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने पानी कम ऐड करा है। तो यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर देंगे साथ ही। तो मैंने टमाटर ऐड कर दिए, टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, सॉफ्ट होने के बाद सब्ज़ी भी इसमें ऐड कर देंगे। बस टमाटर सॉफ्ट होने के बाद ही आप सब्जी आराम से ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप सब्ज़ी साथ में भी इसके ऐड कर सकती है टमाटर के। तो देखिए मैंने सब्ज़ी यहाँ पे ऐड करी है। तो देखिए सारी सब्ज़ियाँ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इसे। देखिए अच्छे तरीके से चला देंगे। अब अच्छे तरीके से मैंने सारी सब्जियां मसाले में अच्छे से मिक्स कर दी। यहां मैंने आधा गिलास पानी भी ऐड करा है क्योंकि इसमें जो सब्जियां हैं वो 50% तक गली हुई हैं, क्योंकि सबको मैंने फ्राई किया था सब गल गई थी, लेकिन इसको थोड़ा सा और गलाना है तो इसलिए मैंने यहाँ आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है और ढक्कन ढक के इसको पकने देंगे करीब 2-3 मिनट तक, ताकि आलू वगैरह आलू गोभी जो भी है सब चीज़ अच्छे से गल जाए। तब देखिए मैंने चला दिया है और करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, यहाँ पे हमारी सब्जी सारी गल गई अच्छे से। और ये है अमचूर पाउडर, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर है ये, और ये 2 चम्मच लिया है मैंने, इसको इसमें डालेंगे। अगर आप चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो टेस्ट होता है सब्ज़ी का वो बिल्कुल रियल आता है, क्योंकि जो हलवाई होते हैं वो सब्ज़ी में ज़रूर ऐड करते हैं मिक्स वेज में, तो आप ये ऐड करें तो इससे जो टेस्ट होगा आपकी सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने यह 2 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है, इससे टेस्ट और अच्छा आता है सब्ज़ी का। इसको आप बिल्कुल एंड में ही ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ ऐड करा है बिल्कुल एंड में, सब्ज़ी एकदम गलने के बाद ही ऐड करना है इसको। अब इसको चला दिया मैंने, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, एकदम रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दिया है ताकि सब्ज़ी में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि तो सूखी सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, अब इसे हम सर्व कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनी है आप देख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, एंड बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।